आज आदरणीय राहुल जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष वर्धा में थे और वर्धा में उन्होंने लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव से चर्चा करी और 2014 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए उनके विचार जाने। आदरणीय राहुल जी की ये सोच रही कि जो 2014 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आना है उसमें समाज के हर तबके की आवाज़ पहुँचे और उनकी सोच की वजह से सभी डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग जगह अपने मैनिफेस्टो के लिए विचार एकत्रित किया, जिसमें SC/ST डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, महिला कांग्रेस ने ये एक्सरसाइज भोपाल में रखी थी, यूथ कांग्रेस NSUI ने बेंगलोर में रखी थी, आज वर्धा में पंचायती राज संगठन ने वर्धा में ये बैठक बुलाई थी और उसमें आदरणीय राहुल जी ने इस बात पे जोर दिया कि हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है और लोकतंत्र तभी मजबूत हो पाएगा जब इस देश की आधी आबादी 50% महिलाओं को की बराबरी से भागीदारी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो पाएगा जब हम युवाओं को रोज़गार से जोड़ेंगे और सत्ता का वित्तीय डिसेंट्रलाइजेशन होगा, पंचायतों को ज़्यादा ताकत मिलेगी। जो आदरणीय राजीव जी की सोच थी पंचायती राज, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया गया था और इस्टेब्लिश हुआ था कि एक रुपया जब भेजते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए इस बात को कहा था कि केवल 15 पैसे नीचे तक पहुंच पाता है और उसी सोच की वजह से पंचायती राज जो गांधी जी का सपना था अमेंडमेंट के साथ स्थापित हुआ और जिसमें आज हमें खुशी है कि 50% आरक्षण महिलाओं को, कांग्रेस की सोच जो हमेशा रहती है महिलाओं के पक्ष में, उस वजह से है। दूसरा इशू जो वेस्ट बंगाल में जो ट्राइबल महिला के साथ गैंग रेप हुआ, वहाँ की पंचायत के ऑर्डर्स पे उसका हम घोर निंदा करते हैं, साथ ही सरकार को आगाह करते हैं कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, उन सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस भयानक, इस घिनौनी हरकत में शामिल थे। और साथ ही ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि किसी भी महिला के साथ आहिंदा ऐसा नहीं होगा, इस बात की जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए।